दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल हिंद स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आज हम दो केमिकल कंपनीज़ जो कि माइक्रो कैप कंपनीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंपनी जो हमने ली है वो है फाइनोटेक्स केमिकल कंपनी। ये लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल कंपनी है इंडिया की, और ये जो है टेक्सटाइल्स के लिए केमिकल्स बनाती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है, और होम और हाइजीन के लिए केमिकल बनाती है। आप कंपनी की वेबसाइट पर आएंगे, आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कंपनी को 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, और 69 कंट्रीज़ में ये कंपनी वर्क कर रही है, और लगभग 400 से ज़्यादा जो है स्पेशलिटी केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप है इस कंपनी की बायोटेक्स के साथ, हेल्थ गार्ड के साथ, और आपका यूरोडाई के साथ। ये सर्टिफिकेशंस दे रखे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे आते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। जैसे कि ये दे रखा है आपका, फाइनोटेक्स केमिकल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड केमिकल कंपनी इन इंडिया। ये पब्लिक लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है लिस्टेड इंडिया की, जो कि परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है टेक्सटाइल्स के लिए और FMCG में क्लीनिंग एंड हाइजीन सेक्टर्स के लिए। उसके अलावा जो है इसका जो प्रोडक्शन है वो 1,04,000 टन है, जो इसका जो अंबरनाथ साइट है इसकी, वहाँ पर, जो कि नियर नवी मुंबई में है। इसके अलावा जो कंपनी है वो आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी अपनी जो है सर्विसेज देती है, इसके जो केमिकल्स बनाती है, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो दे रखे हैं, जैसे ये आपके जो है डीमल्फाइजर, कोरोजन हैबिटर, बायोसाइड्स, सर्फेक्टेंट्स, ये सारे केमिकल्स जो है ये कंपनी जो है ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाती है, या इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स आप चेक कर सकते हैं, देखिए तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। टेक्सटाइल केमिकल, ये टेक्सटाइल केमिकल्स के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हम कंपनी का साइज़ वगैरह ये सब भी चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी बहुत छोटी है अभी जो है, इसका मार्केट कैप जो है लगभग 3,25 करोड़ के है, और इसका जो करंट प्राइस इस वक्त चल रहा है 295 चल रहा है, जबकि 52 वीक लो और हाई इसका 155 और लगभग 400 रुपये है। स्टॉक पी जो है इस वक्त इसका 36, लगभग 37 रुपया, 37 आप कह सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 31 है। डिविडेंड यील्ड नाम मात्र के लिए है। फेस वैल्यू इस कंपनी की जो है 2 रुपये है। ROC और ROE देखिए कितना शानदार है। ROE ROC 37 है, और आपका जो है ROE जो है 28% है। इसका जो है PE जो है इस वक्त 37% चल रहा है। देखते हैं इसका जो है पिछले 3 साल का PE कितना रहा था। 3 साल का इसका जो मीडियम PE है जो 31-32 के करीब है, उससे ये ज़्यादा है। 5 साल का जो है वो 22 के है, तो अभी ये प्रीमियम PE पर चल रहा है। ये कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाते हैं कंपनी से। देखिए सेल्स जो थी इसकी सन 2012 में जो 80 करोड़ थी, जो बढ़कर के अब क्या आपकी हो गई है 517 करोड़ तक पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 9% था वो अब बढ़कर जो है 22% हो चुका है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 6% से बढ़कर आपका 6 करोड़ से बढ़कर जो है 90 करोड़ हो चुका है। उसके अलावा आप नीचे आ जाइए और ये देखिए इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 5 साल में 30% के हिसाब से, 3 साल में लगभग 40% के हिसाब से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं इसकी, 5 साल में 31%, 3 साल में 64%। स्टॉक प्राइस CAGR भी इसका बड़ा शानदार है, देखिए 10 साल में 61% के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिए। ऑलरेडी एक मल्टीवैगर आपको रिटर्न दे चुका है, 5 साल में जो है 37% का इसका रहा है, 3 साल में 125% के मल्टीवैगर रिटर्न इसने दिए, और पिछले 1 साल में भी इसने जो है लगभग 60% से ऊपर रिटर्न दे चुकी है। कंपनी के रिजर्व भी देख लेते हैं, जो रिजर्व आपके सन 2012 में 41 करोड़ थे वो बढ़कर के अब 325 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बोरोइंग इसकी देखिए नाम मात्र है, जो 8 करोड़ थी अब 7 करोड़ रह गई है घटकर। CWIP फिलहाल अभी इसमें कोई
नहीं, ये शून्य दिखा रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें भी आप ये देखिए कि लगातार जो है ये पॉजिटिव ही आपका आ रहा है, सब पॉजिटिव है। इसमें निगेटिव होता है, थोड़ा कंसर्न रहता है। डेटर डेज भी इसके चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, जो सन 2022 में 110 था, 110 दिन थे, वो 72 रह गए। डेटा डेज ये जो होता है, इसमें जितने कम दिन होते हैं उतना ही अच्छा होता है, तो 72 रह गया, ये भी अच्छी बात है। अब प्रमोटर होल्डिंग चेक कर लेते हैं। 65% जो है प्रमोटर्स के पास है इसके शेयर्स। FIIs ना के बराबर है, DIIs ने आना शुरू कर दिया है, 3.5% से ज़्यादा DIIs भी मौजूद हैं। पब्लिक जो है 30% के करीब है। और हाँ, इसमें ये देखिए कि जो है आशीष कचोरिया साहब, जो हमारे जो है काफ़ी बड़े इन्वेस्टर समझे जाते हैं इंडिया के, उनकी भी इसमें जो है लगभग 2.5% की स्टेक मौजूद है। इसको देखकर भी अच्छा लगता है कि जो है बड़े बड़े जो हमारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, वो भी जो है इस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें उनको फॉलो नहीं करना होता, लेकिन जो है उनको देखकर जो है हम अपना जो है स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आज जो है एक दिन का जो है इसका नेगेटिव आज चला है, ये लगभग 2.5% शेयर गिरा है। एक हफ्ते में जो है इसके रिटर्न है लगभग 7% के रिटर्न दे दिए एक ही हफ्ते में इसने। एक महीने में जो रिटर्न आए इसके 24% के हैं, और पिछले एक साल में भी इसने जो है अच्छे खासे रिटर्न, लगभग 66% के रिटर्न दे चुकी है। तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है और फ्यूचर भी इसका काफ़ी अच्छा है। यही वजह थी कि मैंने इस कंपनी को जो है आपके सामने रखा, ताकि आप जो है इसको देख सकें। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कंपनी। तो हमारी दूसरी कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज़। तो यशो इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हमें पता करना है, तो हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। ये यशो इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट है। ये क्या है? विद इन द वर्ल्ड ऑफ द फाइन केमिकल, यशो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मैन्युफैक्चर परफॉर्मेंस केमिकल्स। ये परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाती है। किसके लिए बनाती है? रबर्स एंड लेटेक्स के लिए, फूड एंड फ्लेवर्स, प्यूफरी ल्यूब्रिकेंट्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेंट्स। और ये 1993 से कंपनी काम कर रही है। देख रहे हैं आप, ये जो है काफ़ी जगह पर इसके जो है प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका R&D सेंटर्स भी है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी वर्क करती है। इनके डिफरेंट सेक्टर्स में जो आपके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, वो एरोमा केमिकल्स हैं जो आपके फूड्स में यूज़ किए जाते हैं, रबर केमिकल्स हो गए, आपके प्री डिस्पर्ड रबर्स केमिकल्स हो गए, स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है, ल्यूब्रिकेंट एडिटिव्स भी बनाती है, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स भी ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा जैसे ये प्रोडक्ट्स दे रखे हैं आपको, एरोमा केमिकल्स, ये सब अगर आपको चेक करना है तो ये आप यहाँ पर जाकर इसमें डिटेल में इनको चेक कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं एरोमा, ये एरोमा के अंदर आपके ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आपको चेक करना है, आप कंपनी में जाकर आसानी से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। कंपनी में पूरा बिज़नेस जो है आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाता है। पूरे बिज़नेस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ये देखिए, आपको पूरा दे रखा है। फूड एंटीऑक्सीडेंट पर अगर आप आएंगे तो इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो ये आप अपना जो है नहीं, जब आप स्टडी करें तो आप ये सब चेक कर सकते हैं। जैसे ये आपको दे रखा है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये तो आप यहाँ पर आपका चेक कर सकते हैं। अब कंपनी को देख लेते हैं। कंपनी का साइज़ अभी बहुत छोटा है, लगभग 2000 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी, बहुत छोटी कंपनी। कंपनी का 52 लो और हाई जो है वो 1100, लगभग 1100 से लेकर 1800 के करीब है। और इस वक्त कंपनी जो है अपने 52 हाई के आसपास चल रही है, 1700 के करीब है। स्टॉक का पी इस वक्त 30 30 चल रहा है। बुक वैल्यू 208 है। डिविडेंड नाम मात्र का देती है। ROE और ROC दोनों ही जो है 20 से ऊपर हैं, जो मैं कहता हूँ कि 20 से ऊपर हों तो अच्छे माने, बहुत अच्छे होते हैं। ROE इसका 31% है और ROC जो है इसका 22% है। पी इसका जो है 30 का चल रहा है। पहले जो पी था इसका वो चेक कर लेते हैं ज़रा। पिछले 3 साल का जो इसका पी है, वो इसका जो पी है आपका, या जो मीडियम पी आ रहा है 3 साल का, वो 27 के है, और 5 साल का जो है वो 23 है। तो इस वक्त प्रीमियम पे चल रहा है। और जब जब ये बुल रन आया था तो देखिए, ये 50 के पी तक पहुंच गया था, तो 50 से तो घट कर ये 30 पर आ गया है। इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं।
फाइनेंशियल्स में आप आ जाइए और आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ गए। सन 2015 में जो सेल्स इसकी जो लगभग 125 करोड़ थी वो बढ़ करके लगभग 700 करोड़ के करीब आ गई है। प्रॉफिट भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 9% था वो बढ़ करके अब 70% तक आ चुका है। नेट प्रॉफिट जो आपका कंसिस्टेंटली बढ़ता चला जा रहा है 8, 12, 12, 21, 53, अब 64% तक आ चुका है। ईपीएस भी इसका लगातार देखिए बढ़ता चला जा रहा है, 0.01 से जो है बढ़ते बढ़ते इस वक्त 56.41 तक आ चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देख लेते हैं, पिछले 5 साल में जो है 22% की रही है, 3 साल में 31% की रही है। इधर इसका जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए, पिछले 5 साल में जो है 52% के हिसाब से बड़े ही शानदार हैं, और जो है आप ये 3 साल में देखिए 75% से। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी इसका आप ये देखिए, पिछले 5 साल में 72% के रिटर्न दिए इसने लगातार, और 3 साल में तो कमाल कर दिया है, लगभग 140% के इसने रिटर्न दिए। रिजर्व भी कंपनी के चेक कर लेते हैं, देखिए जो रिजर्व सन 2015 में 2 करोड़ के थे आज वो बढ़कर के 226 करोड़ हो गए। कितना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का चल रहा है। सीडब्ल्यूआईपी देखिए अभी भी ये कैपेक्स कर रही है, और ये देखिए 123 करोड़ का जो है इनका अभी सीडब्ल्यूआईपी में शो कर रहा है। कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अब ये देखिए 100 करोड़ के एसेट्स बढ़कर जो है 347 करोड़ तक पहुँच चुके। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी चेक कर लेते हैं, ये लगातार ये देखिए बीच में एक बार माइनस में आया, वरना उसके बाद आप ये देखिएगा 19, 20, 21, 22 लगातार जो है ये पॉजिटिव ही चल रहा है। डेटर डेज भी आप ये देखिए लगातार जो है इसके कम होते जा रहे हैं, लगभग 80 दिन था वो घट करके अब लगभग 60 दिन पर आ गया है। ये भी आपका जो है एक पॉजिटिव साइन होता है इस किसी भी कंपनी के बारे में। छोटी कंपनी है तो जाहिर सी बात है हम सबसे जो ज़्यादा जो इस पर ध्यान देते हैं वो इसके प्रोमोटर्स पर देते हैं। देखिए प्रोमोटर्स भी जो है 71% माल उठाए बैठे हुए हैं, उनको अपनी कंपनी में कितना यकीन है। छोटी कंपनी है इसलिए आपके एफआईआईज इसमें अभी नहीं है। पब्लिक 28% है, और इसमें भी आप ये देखिए जो आशीष कचोलिया साहब इसमें भी लगभग 4% जो है इन्होंने स्टेक ले रखा हुआ है। मैं आप आशीष कचोलिया साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आप इंस्पायर हों और आप जो है इस कंपनी को फ़ौरन जाकर आप ले लें, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है इससे आप जो है स्टडी करने में आपको जो है मोटिवेशन मिलता है। एक दिन का कंपनी का जो है आज कंपनी का जो है चला है आपका एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस रहा है। एक हफ्ते में कंपनी ने जो है माइनस के 1% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 12.5% तक कंपनी चल चुकी है, और 1 साल में लगभग 18% का रिटर्न दिया है, और देखिए पिछले 5 साल में कंपनी ने लगभग 1,500% के रिटर्न दे चुके हैं। हालांकि कंपनी ने जो है 1,500% के रिटर्न सन 2022 के स्टार्टिंग में ही दे दिए थे, अभी तो जो है पिछले 1 साल से कंपनी जो है कंसोलिडेट कर रही है, तो आप ये देख सकते हैं कंपनी कितनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी 2 कंपनीज यशो इंडस्ट्रीज और फाइनोटेक्स केमिकल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कंपनीज का जो प्रेजेंटेशन है ये पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सक हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारा आपको इस इन कंपनीज को ख़रीदने और बेचने का कोई राय नहीं है। आपको जो डिसीज़न लेना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें तब आप कोई डिसीज़न लें। धन्यवाद।